कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को 105 के करीब सीटें अभी दिखाई पड़ रही है, कुछ आगे पीछे होगी, और सबसे बड़े दल के रूप में महाराष्ट्र में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी चुनकर आई है। हमारे साथ में हमारे गठबंधन के लोग, शिवसेना, ये सारे, हम सभी को अच्छी सीटें मिली है। ये बात सही है कि पिछले बार से कुछ सीटें हमको कम मिली है, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले समय महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 260 सीटें लड़ी थी और हमारी 122 सीटें आई थी। इस बार हम 150 सीटें लड़े और हमारे साथी 14 सीटें लड़े हैं और हमारी 105 सीटें आई है। इसका मतलब ये है कि पिछले समय हमारा स्ट्राइक रेट ये 47% था, 47%, अब हमारा स्ट्राइक रेट ये 70% है, 70% है। जितनी सीटें हम लड़े उसमें से 70% सीटों पर हमने विजय हासिल की है। पिछले चुनाव में महाराष्ट्र के जो कुल वोट है उन वोट में हमको 28% वोट मिले थे 260 सीटें लड़कर, और हमको तकरीबन 26% वोट मिले हैं मात्र 150 सीटें लड़कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से पिछले बार से अधिक वोट भी मिला है, स्ट्राइक रेट भी मिला है, और सीटों में मैं ये मानता हूँ कि कुछ सीटें हमारी कम हुई है क्योंकि हम कम सीटें लड़े। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जनता ने बड़ा डिसाइसिव इस प्रकार का मैंडेट दिया है, जनता को हमसे अपेक्षाएं हैं, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि इन अपेक्षाओं को आने वाले 5 वर्षों में हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जहाँ तक हमारे अपोजिशन का सवाल है तो हमारी सीटें कुछ कम हुई है, लेकिन अपोजिशन की कोई बहुत ज़्यादा सीटें बढ़ी है ऐसी परिस्थिति भी दिखाई नहीं पड़ती। मूल रूप से बड़े पैमाने पर जो हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने खिलाफत की थी, कुछ लोग ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़े थे, कुछ शिवसेना से भी लड़े थे, कुछ बीजेपी से भी लड़े थे, कुछ उनके खिलाफ लड़े थे, कुछ हमारे खिलाफ लड़े थे, ऐसे बहुत लोगों ने विजय पाई है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चुनकर आए हुए हैं इनमें से अभी तक तकरीबन 15 लोगों ने मुझसे बातचीत की है, मेरी भी उनसे बातचीत हुई है, और ये 15 लोग हमारे अलायंस के साथ आएंगे। इसमें से कई लोग हमारे रेगुलर कार्यकर्ता ही हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से हम उनको टिकट नहीं दे पाए, या सीटें कहीं शिवसेना के पास गई, कहीं हमारे पास आई, तो ऐसे में ये लोग चुनकर आए हैं, ये सारे लोग हमारे साथ रहेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एक बड़ा डिसाइसिव इस प्रकार का हमारा मैंडेट होगा, एक महाराष्ट्र में अगले 5 साल के लिए मजबूत सरकार हम देंगे। वैसे महाराष्ट्र में ये कई दशकों के बाद हो रहा है कि 5 साल पूरी करके एक सरकार और एक मुख्यमंत्री वापस चुनकर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का परिवर्तन महाराष्ट्र के मैंडेट में हमको दिखाई पड़ता है। मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और फिर एक बार हम सभी की ओर से महाराष्ट्र की जनता के जनादेश को स्वीकृत करते हुए, उनका आभार व्यक्त करते हुए उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एक उनकी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर हमारी सरकार खरी उतरेगी।